बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव जी। यादव जी, विधानसभा में जिस तरीके से रेडियो की तरह नियुक्तियाँ की गई कैसे देखते हैं आप? मैंने कहा अपने सभी ने, हमने सबने बचपन से एक कहावत सुनी कि अंधा बांटे रेडियो और अपने अपने को दे, उसको चरितार्थ करिए। उत्तराखंड की जो सरकार है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के रिश्तेदारों, अपने नेताओं के पहचानने वालों लगातार बैकडोर से हत्या करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस इसके लिए लगातार अपनी आवाज उठाता रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कुछ कामयाबी हमें हासिल हुई है वो निश्चित ही, लेकिन क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो उच्च पदस्थ नेतागण है, चाहे वो CM हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे एक राज्यपाल इसमें इन्वॉल्व हो, सभी के बहुत करीबी जो जानकार हैं वो इस सब में संलिप्त हैं। लिहाजा ये जो जांच है इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कोई स्टेट एजेंसी। हमने ये मांग की है कि इसकी CBI से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उत्तराखंड CM का कहना है कि ये पूरे जो मामला है, मामले को लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा ताकि जितने भी लोग हैं आरोपी वो जल्द से जल्द स्थिति देखिए, कहने में और करने में सारा फर्क है। पूरी नियमावली होती है, जब भी कोई किसी की गलती की जाती है तो एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। उन सभी प्रोसीजर्स को दत्ता बताते हुए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिश्तेदारों और अपने जानकारों को इस भर्ती देने का काम किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक नूरा कुश्ती खासतौर पर सेंटर की तरफ से अभी हमने आपने सबने कुछ दिन पहले सुना होगा कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, रेवड़ियाँ वो नहीं है कि किसी गरीब आदमी को उसको राशन मिल सके, रेवड़ी वो नहीं है कि किसी को उसकी फसल का हक मिल सके, रेवड़ियाँ ये हैं जहाँ सभी कानूनों को दत्ता बताकर जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनको उनके हक को मारकर इस तरीके से आज नौकरियां अपने जान पहचान वालों को दी जा रही है बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के, बिना किसी साक्षात्कार के, बिना किसी टेस्ट के, ये सही मायने में रेवड़ियां हैं और हम इसका विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, UK SSC पेपर लीक के मामले को किससे देखते हैं आप, क्योंकि कई विद्यार्थियों के साथ एक तरीके के निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उन बेरोजगार युवाओं के साथ है जो उनके साथ गलत हुआ है, उसकी आवाज़ हमने बनने की कोशिश की है, चाहे वो विधानसभा में हो या विधानसभा के बाहर हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उस पर लीपापोति करने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो ताकि उनका दूध और पानी करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर उत्तराखंड के बड़े देवेंद्र यादव पहुँचे, बातचीत के लिए कैमरा पर्सन बिहार के साथ ज्योति सिंह।